السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سن بسنته الى يوم الدين اما بعد برادران الاسلام नमाज में बाद मुसलमानों से जो गलतियां होती हैं उनमें से एक ग़लती ये भी है कि नमाज की जो कैफियत नबी करीम अलैहि वसल्लम से वारिद है उस कैफियत के साथ नमाज अदा करने की कोशिश नहीं करते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसल्ली तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज अदा की है उस तरीक़े से उस कैफियत से मुसलमान को नमाज अदा करने की कोशिश करनी चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा करते कहते तो तकबीर तहरीमा के वक्त आप यदैन किया करते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलाम रुको में जाते तो रुको में जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन करते रुको से आप सर उठाते तो रुको से सर उठाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन किया करते थे और इसी तरीके से दो रकात जब नमाज अदा कर लेते तशहहुद में बैठते तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होते तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम रफुल यदैन किया करते थे ये वो मकामात हैं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम से यदैन करना साबित है यदैन कैसे किया जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कैफियत भी बयान कर दी अपने अमल के जरिए कि अल्लाह के, अल्ला के नबीम जब रफुल यदीन किया करते थे तो अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर या अपने कानों के बराबर उठाया करते थे कानों के बराबर या कंधों के बराबर उठाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान रफुल यदीन करते हुए अपने कानों को हाथ लगाए बल्कि अपने कानों के बराबर अपने हाथों को उठाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम का अमल था इसी कैफियत के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नबीम यदैन किया करते थे तो इस कैफियत को सामने रखकर मुसलमान को इन जगहों पर तकबीर तहरीमा कहते हुए और रुको में जाते हुए रुको से सर उठाते हुए और दो रकात मुकम्मल करके तशहुत में बैठता है तीसरी रकात के लिए जब उठता है तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह यदैन किया करते थे ये मकाम वो हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यदैन करना साबित है और इन मकाम पर यदैन करना इमाम फरमाते हैं कि पचास से ज्यादा सहाबा ने इन मकाम पर रफुल्दीन को रिवायत किया है पचास से ज्यादा साहबा और इन रावियों में दस ऐसे सहाबा भी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी जन्नत की खुशखबरी सुना दी तो जो सहाबा अशरा मुबशरा में शुमार होते हैं उन सहाबा ने भी रफुल यदैन की अहदीत को रिवायत किया है तो जब इन सहाबा ने रफुल यदैन को रिवायत किया है तो मुसलमान का शेवा क्या बनता है कि की इक्तदा करते हुए नबी करीम सल्म की सुन्नत पर अमल करें। इमाम बुखारी रही ने एक छोटी सी किताब लिखी रिसाला तहरीर किया जिसका नाम जज़् रफुल्यत रखा कि रफुलयियत कहाँ कहाँ करना चाहिए इमाम बुखारी रही फरमाते हैं कि हसन बसरी रिमहुल्ला और हमदिला जो तबइन में शुमार होते हैं वो फरमाते हैं कि सहाबा इन मकाम पर रफुल्दीन का अहमाम किया करते थे इमाम बुखारी रिम्ला ने फरमाया कि हसन बसरी ने और हमायद इब्न हिलाल ने किसी सहाबी को अलग नहीं किया इस अमल से गोया कि ये सारे सहाबा का अमल है नबी करीम सल सल्लल्लाहु सल्हम से ये अमल साबित है और पचास से ज़्यादा सहाबा ने इस अहदित को रिवायत किया है नबी क़रीम से इनमें ऐसे दस सहाबा भी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल ने जन्नत की बशारत दी और सारे सहाबा का ये अमल रहा है लिहाजा मुसलमानों को ये ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि इस सुन्नत से वो महरूम हो जाएं इस सुन्नत को वो तर्क कर दें और हनफी ने भी इसको अल्हम्दुलिल्लाह इकरार किया है शाह कश्मीरी जो देवंदियों के बड़े आलिम शुमार किए जाते हैं मुहदस माने जाते हैं उन्होंने भी कहा कि रफुल यदैन तवातुर के साथ साबित है मतनन भी और इसनादन भी और जो लोग कहते हैं कि मनसूख है वो कहते हैं कि इसका एक हर्फ भी मनसूख नहीं हुआ है तो मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों जरा गौर कीजिए कि अल्लाह के, के जब ये सुन्नत सामने आ जाती है तो क्या कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है कि सुन्नत से पीछे रह जाए आप गौर करें अगर अल्लाह के नबी नबीम मौजूद होते और आपसे कहते कि रफुल्दीन करो तो क्या कोई मुसलमान तरद करता नबी करीम वसल्लम की बात को सुनकर जब आपकी रिवायत करदा अहदी इतनी ज्यादा है जिसमें कोई तरद दूत नहीं कोई शक नहीं तो कोई मुसलमान अमल करने में कैसे पीछे रह सकता है इमाम शाफिया रही इसीलिए फ़रमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस फेल के साबित हो जाने के बाद किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस सुन्नत से पीछे रह जाए तो लिहाजा मेरे भाई अल्लाह के नबी की के सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू